स्ट्रीट पे है, मेरी वीडियो मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हो जाए तो वो डाउनलोड में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जिराट स्ट्रीट के अभी शॉप्स नहीं खुली क्योंकि 10:30 का टाइम है, संडे के दिन लेट ज़रा खुलती है, लोग खुलते हैं और ये बड़ा पॉपुलर है जिराट स्ट्रीट इन टोरंटो। यहाँ पे रेस्टोरेंट की वजह से बहुत इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, आए और खाएँ, इंजॉय करें। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था डैनफोर्थ एवेन्यू इटालियन एरिया कहलाता है वो, और वहाँ पे इटालियन स्टूडेंट्स है वो, सॉरी मैं बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मिलेंगे। लेकिन यहाँ बम्पर टू बम्पर है और ये ओल्ड, बहुत पुरानी स्ट्रीट है। देखें घर मकान कितने पुराने बने हुए हैं और हर चीज़ बहुत पुरानी है। तो गाड़ी वाले जाने देते हैं, हमें निकाल ली गाड़ी जल्दी जल्दी से। यहाँ का सर्दी गर्मियों में आकर देखें आप लोग किस तरह एंजॉय करते हैं अपने आप को। ये कॉर्ला एंड जराट, इसके बहुत पुराना ब्रिज है, इसके अंडर से गुजर ऊपर से ट्रेन गुजरती है। तो मेरे इस फोन को कुछ प्रॉब्लम्स है यार, होल्ड है, लेनी पड़ेगी मुझे कुछ। तो ये लोकल लाइफ है मेरे भाई यहाँ पे, ये देखें, जो कि आपको शायद बहुत कम लोग दिखाएंगे। पाकिस्तानी, इंडियन जो आते हैं टूरिस्ट, वो आपको सिर्फ सिर्फ मेन चीज़ों का बताते हैं। इंसान को वैसे भी इंटरेस्ट होता है मेन चीज़ों में, ना कि इन चीज़ों में। तो क्योंकि यहाँ रश बहुत है, वन यानी स्कॉर्बो बहुत खुला इलाका है, सड़कें बहुत ज़बरदस्त है, वो नया बनाया है, ये बहुत पुराने हैं, ये दो साल पुराने, डेढ़ दो साल पुरानी ये इमारतें हैं, सड़कें हैं बनी हुई हैं सारी चीज़ें। तो जराट स्ट्रीट beautiful street on my point of view, it's a lovely street। जॉन्स आ गया, मुझे गाड़ी को थोड़ा भगाना है। जॉन स्ट्रीट और जराट, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है, रिपेयर मेंटेनेंस समय में शुरू हो जाती है, इसकी वजह से चलाती है। लोकल लाइफ, दीज आर लोकल लाइफ। लोकल लाइफ, ये सारा आप दुकानें देखिए, सारे देसियों की है हमारे, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ये एरिया खास तौर पर जहाँ मैं लेके अब आ रहा हूँ, ये देसियों का इलाका है। लेकिन गोरे सब खाना खाते हैं, गोरे, काले, पीले, हर बंदा यहाँ पे नस्ल का रहता है।
मैं इस वीडियो बंद करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाने लगा।